नमस्कार टॉकबैक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हल्ला हो रहा है, जो महिलाएं खड़ी है, महिला संगठन है, दिल्ली के विभिन्न महिला संगठन लेफ्ट के साथ आई हैं बिल्किश बानो को दोबारा से न्याय दिलाने के लिए। 15 अगस्त को 82 मिनट का भाषण देखकर पीएम मोदी ने महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया, बट महिला सुरक्षा क्या है ये सबने देखा है। जब 11 दोषी जेल से बाहर आते हैं, उन्हें हिंदू संगठनों द्वारा मिठाई और फूल माला देकर स्वागत किया जाता है। 2002 गुजरात दंगा भले ही इतिहास की किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन दोबारा से एक बार फिर उसी घटना पर बवाल मचा हुआ। पूरे देश में लोगों में रोष है बिल्किश बानो के अपराधियों को मुक्त करने को लेकर। अब इस रिहाई के बाद पूरे देश में आक्रोश है कि महिला कहां सुरक्षित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भले ही कोई भी योजना जाए, लेकिन किसी भी तबके में महिला सुरक्षित नहीं है। 2022 में गुजरात में दिसंबर में चुनाव होने वाला है। कई लोग इस बात को राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। क्या कहना है इन महिलाओं का, क्या इनकी मांग है सरकार से, आइए जानेंगे। इन्हीं से बात करेंगे कि क्या ये चाह रहे हैं मोदी सरकार से, जो बार बार महिला सुरक्षा पर अपनी बात करते हैं। मैम, ये कहा जा रहा है कि 14 साल होता है आजीवन कारावास का समय, और संवैधानिक तौर पर यही है, उसके बाद रिहाई हुई है। हिंदू संगठनों ने उनका स्वागत किया है, कैसे देखती हैं बिल्किश बानो मुस्लिम हिंदू संगठन का स्वागत 2022 में गुजरात का चुनाव, पूरा सिनेरियो क्या क्या लग रहा है आपको? पूरा सिनेरियो ये लग रहा है कि ये अपने आप को हिंदूवादी बताते हैं, हिंदुत्ववादी बताते हैं, और उसी के आधार पर ये वोट मांगते हैं। काम के नाम पर तो इनके इनकी फाइल में कुछ होता नहीं है, तो ये बस हिंदुत्ववादिता पर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। एक तो बात ये है। दूसरा, आपने जो सवाल उठाया था कि 14 साल हो चुके हैं, ये कोई वनवास तो था नहीं जो 14 साल हो चुके अब वापस आ रहे हैं। आप जानते हैं जिन जो इन्होंने गैंगरेप किया, वो जिसके ऊपर किया, पब्लिकली किया, फैमिली के सामने किया, वो बिल्किश बानो आज भी जिंदा है। वो बिल्किश बानो आज जिस तरह की जिंदगी जी रही है, उसका अमन चैन गरिमा सब धूल मिट्टी हो चुका है। उसके पास जब ये लोग वापस जाएंगे, एक ही गांव के परिचित लोग, क्या होगा वहां पर? क्या हमें कम्युनल माहौल देखकर, क्या हमें ये देखकर के औरतों के साथ गैंगरेप हुआ, क्या ये देखकर कि नरसंहार हुआ, हमें फैसला करना चाहिए? या एक मैकेनिकल 14 साल हो गए, मैथमेटिकल एल्गो है, लो भाई रिहा कर दिया। सारी चीजें हालात देखकर ही तो फैसला होता है। गुजरात सरकार ने ये फैसला किया, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारा कहना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रोल बैक करे, इस रेमिशन को, और अगर वो नहीं रोल बैक करते तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटू संज्ञान लेकर हिंदुस्तान में औरतों की सुरक्षा और गरिमा को बहाल करने के लिए कदम उठाना होगा। जो आजीवन कारावास की सजा को 14 साल में वो मुक्त हो जा रहे हैं, और वो भी अमृत महोत्सव के दिन। ऐसा अमृत महोत्सव केवल उन अपराधियों के लिए अमृत है, बाकी के लिए वो पूरे समाज के लिए वो जहर है। वो जहर जो पूरे समाज में एक अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, वो जहर जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा। कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस ही नहीं करेगी, क्योंकि 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद अगर वो सजा दिलवाने में कामयाब हुई थी बिल्किश बानो, इतने साहस के साथ वो बिना बदन पे कपड़ों के जब वो पहाड़ी से उतर कर एक आदिवासी महिला ने उसके वस्त्र तन ढकने के लिए दिए हैं, और उसके 5 महीने का बच्चा उसके पेट में है, उसकी बेटी को उसके सामने मार दिया, उसके बावजूद भी उसने लड़ाई लड़ी। कोई और महिला होती तो शायद उसी समय वो मर जाती, आत्महत्या कर लेती, लेकिन उस महिला ने, बिल्किश बानो ने जो जज्बा दिखाया, जो उसने लगातार लड़ाई लड़ी और अपने आप को खड़ा किया, ये महिलाओं के लिए एक मिसाल है, न केवल महिलाओं के लिए पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। देखिए, आज तो ये 2014 से जब से ये बीजेपी आई है सरकार में, तब से तो ना कोई महिला सुरक्षित है ना अभी है। और ये जो अभी 11 लोगों को जो उन्होंने रिहाई करी है,
जो 2002 में जो दंगे हुए थे गुजरात में, उसमें जो एक 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी उसके साथ जो 11 लोगों ने जो बलात्कार किया और उसकी 3 साल की बेटी को मार दिया गया, और जो उसके घर वाले थे 7-8 लोग उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया, तो ये तो सबसे शर्मनाक बात है जो उनको मोदी जी ने श्रम दान दिया है, एक तरह से जो दोष मुक्त कर दिया, जो उनको सजा मिली थी आजीवन कारावास मिला था, जो आजीवन कारावास होता है वो आजीवन होता है, 14-15 साल का नहीं होता। ये बहुत ज्यादा ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे देश में कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। सरकार को विचार करनी चाहिए, अगर ये सरकार विचार नहीं करेगी तो हम अपना प्रदर्शन आज से स्टार्ट किया और करते रहेंगे, जब तक सुनेगी नहीं सरकार, सरकार को सुननी पड़ेगी। जिस हिसाब से अल्पसंख्यकों के लिए देश में चल रहा है माहौल, क्या लग रहा है उसी का नतीजा है बिल्किश बानो का ये? जी हाँ, इन्होंने तो माहौल बना ही दिया है, हिंदू हिंदू मुस्लिम कर करके इन्होंने एक जातिवाद वाली जो राजनीति कर रहे हैं, इससे एक माहौल तो खराब करा ही इन्होंने, उसी का नतीजा है कि ये दिखाया है कि मुस्लिम औरतों को हक ना मिले और अपना जश्न मनाया कि देखो ये हमारी जीत है। आरएसएस के गुंडे को जिस तरीके से इस देश में बढ़ावा मिल रहा है वो उससे तो यही लग रहा है कि मुस्लिम औरतों के साथ नाइंसाफी हुई है। और ये रेप वाला केस जो है, मैं कहूँगी मुस्लिम नहीं, हर एक छोटी छोटी बच्चियों के साथ होती है, उनको भी इंसाफ नहीं मिलता, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती। हमारे समाज में जो सबसे निचले पायदान की महिला है वो उसी पायदान पर नहीं है, वो दलित महिला, वो अल्पसंख्यक परिवार से आने वाली महिला शोषित होती रहे, और उसके शोषण की जो परिस्थितियां ये सरकार और व्यवस्था तैयार करती है वो परिस्थितियां ना बदले, और उन परिस्थितियों को बदलने के लिए हम यहाँ पर ना सिर्फ आज के विरोध प्रदर्शन में मौजूद हुए हैं, हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के जो आंदोलन है उन्हें हमें एक साथ एकजुट करके और ज्यादा सशक्त तौर पर और ज्यादा संगठित तौर पर अपने इस आंदोलन, अपने इस संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब तक जब तक थोड़ा सा पीछे सिर्फ ये सरकारें नहीं बदल जाती, जब तक सिर्फ ये महिला विरोधी फैसले नहीं बदल जाते, तब तक जब तक हम एक ऐसी व्यवस्था नहीं स्थापित कर लेते जहाँ पर एक बहुसंख्यक हिस्सा महिलाओं का ऐसी परिस्थितियों में जीने को मजबूर ना हो, जहाँ पर कोई भी डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट क्लास से आने वाला आदमी उसके साथ इस तरीके का शोषण कर सकता है, उस तरीके की परिस्थितियों को खत्म करने तक हमें अपने संघर्ष को आगे ले जाना पड़ेगा। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आपने गुजरात सरकार ने और केंद्र सरकार की सहमति के साथ आपने भारत की औरतों को, विशेषकर भारत की अल्पसंख्यक औरतों को भी आपने ये संदेश देने की चेष्टा की है कि भारत के अंदर बलात्कारियों को आजादी है, और बलात्कारियों को आजादी है कि वो आपके साथ बलात्कार भी करेंगे, और उसके बाद सत्ता में बैठे हुए लोग उनके रिहाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये आपने संदेश दिया है, और इसी का हम विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि इसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए और इन अपराधियों को अविलंब जेल के पीछे पहुंचाना चाहिए। यहाँ आई प्रत्येक महिला की एक ही मांग है कि बिल्किश बानो को न्याय दिया जाए, 2002 में जो उसके साथ हुआ है वो किसी के साथ दोबारा ना हो। उसके बाद अपराधियों को 15 अगस्त के दिन, जिस दिन आज़ादी हुई है उस दिन निकाला गया। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं पीछे वो चीख चीख कर यही कह रही हैं कि न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अब न्याय की मांग कितनी तेज उठती है ये भी देखना बाकी। इस वक्त मेरे साथ 2 स्टूडेंट हैं, दोनों DU से हैं, और जैसा देश के हालात हैं उन हालातों को देखते हुए बिल्किश बानो के जो आरोपी हैं जिनको अभी रिहा किया गया है उनको दोबारा से उन पर कार्रवाई हो, इसकी मांग करने के लिए कई महिला संगठन और स्टूडेंट्स भी आई हुई हैं। उनसे ही जानेंगे, उनसे बात करते हैं उनसे कि क्या मांग है उनकी मोदी सरकार से। देखिए,
अभी आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में सरकार गुजरात सरकार ने ये बोला कि हम इन दोषियों को रिहा करें। मोदी जी भी लाल किले से कहते हैं कि हमें महिला शक्ति का सम्मान करना चाहिए और हमें महिलाओं के लिए आगे आना चाहिए, पर वहीं दूसरी ओर गुजरात में क्या चल रहा होता है कि बलात्कारियों को, जिन पर हत्या के मुकदमे भी दर्ज हैं और उसके अलावा भी और मुकदमे दर्ज हैं, उनको सरकार रिहा कर देती है और उनकी फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाता है। ये हमें क्या दिखाता है कि सरकार किसके साथ खड़ी है? क्या वो पीड़िता के साथ खड़ी है या फिर वो बलात्कारियों के साथ या दोषियों के साथ खड़ी है? जब सरकार नारी शक्ति की बात करती है तो किन नारियों की शक्ति की बात करती है? क्योंकि बहुसंख्यक औरतें जो किसी और के घर में काम करती हैं या फैक्ट्रियों में काम करती हैं या असंगठित क्षेत्रों में शोषित होने को मजबूर है, जिनके साथ हर दिन यौन शोषण होता है, क्या उनके साथ सरकार खड़ी मिलती है हमें? क्या सरकार उनकी बात करती है? अगर उनकी बात करती तो बिल्किस बानो के अपराधियों को इस तरीके से छोड़ती नहीं, क्योंकि इन दोषियों को छोड़ा जाना सिर्फ इन दोषियों को छोड़े जाने तक सीमित नहीं है। ये मैसेज देता है सोसाइटी को कि अगर आप रूलिंग पार्टी से संबंधित हैं तो आपको जाहिर सी बात है ऐसी छोड़ दिया जाएगा। तो ये आज़ादी जो मिल रही है ये किसे मिल रही है? उन अपराधियों को तो मिली है। क्या हम औरतें और लड़कियों को आज़ादी मिल रही है कि हम चैन से खुले आम जी पाए? ये आज़ादी उन अपराधियों को मिली है जिन्होंने 2002 में बिल्किस बानो का रेप किया। इस चीज से सरकार को उन पे शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो बेटियों को बचा पा रही है या सिर्फ उनके ये जो नारे हैं खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये तो सरकार दोगलापन दिखा रही है कि एक तरफ वो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ वो उन्हें बचा नहीं पा रही है, उन्हीं के अपराधियों को रिहा करवा रही है। विभिन्न हिस्सों से आकर महिलाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, कुछ लड़कियां, स्टूडेंट संगठन की कुछ छात्रा भी आई हुई हैं जिन्होंने जोर से अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा है कि हमें न्याय चाहिए। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। 11 अपराधियों को फिर से उनकी जो सजा माफ की गई उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जंतर मंतर से मैं पूनम असी दिमुख नायक के लिए।